हाय एवरीवन, यू आर विद टेक टॉक विद ललितेश यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा वीडियो है वो ये है कि लेस देन इक्वल ब्लॉक हम कैसे यूज करते हैं सॉफ्टवेयर में। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था डिफरेंट डिफरेंट कंपेयर इंस्ट्रक्शंस के बारे में, तो आज मैं बात करूँगा कि लेस देन इक्वल ब्लॉक हम कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम एक बार जान लेते हैं कि क्या होता है। तो कंडीशन 7 में देखेंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेस देन एंड इक्वल ब्लॉक, यानी अभी तक मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में आपको बताया था कि लेस देन ब्लॉक अलग से कैसे यूज करना है एंड इक्वल ब्लॉक कैसे यूज करना है। बट एक ब्लॉक और होता है कि लेस देन और इक्वल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। होता क्या है कि वैल्यू 1 अगर कम होती है वैल्यू 2 से या बराबर तक रहती है तो भी मेरा आउटपुट ऑन रहता है। यानी लेस देन ब्लॉक पहले क्या होता था कि वैल्यू 1 अगर कम है वैल्यू 2 से तो आउटपुट हाई होता था, लेकिन लेस देन इक्वल क्या कहते हैं, वैल्यू 1 कम है वैल्यू 2 से या इवन बराबर भी हो जाती है तो भी मेरा आउटपुट क्या होगा, हाई होगा। यानी लेस देन इक्वल कंपेयर ब्लॉक होता है जो हम यूज कैसे करते हैं उसके बारे में मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। तो सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन पर चलते हैं। तो सबसे पहले एक काउंटर लेंगे, जैसा कि लास्ट वीडियोज में भी आपने देखा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर कंपेयर में जाएंगे और यहाँ पर एक ब्लॉक है LEQ, निमोनिक होता है शॉर्ट फॉर्म लेस देन इक्वल। देन इससे एक आप आउटपुट कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर एक आउटपुट का एड्रेस आप ले लेंगे। इसको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से चेंज कर दिया है। तो कंडीशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेस देन एंड इक्वल ब्लॉक। तो सोर्स से यानी वैल्यू 1 जो कि काउंटर का एक्यूमुलेटर हम यूज करेंगे डॉट AC से, यहाँ से यूज कर लिया। और सोर्स भी में आप अपना फिक्स वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन में चेंज करना है इसलिए मैंने इंटीजर एड्रेस ले लिया। कंपाइल करके आप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ब्लॉक कैसे यूज करते हैं। तो लेस देन मतलब क्या होता है कि जो सोर्स ए की वैल्यू है वो कम है सोर्स बी से, जैसे मैंने 5 दे दिया, तो 5 से अगर कम है सोर्स ए की वैल्यू तो ये हॉर्न रहेगा मोटर, यानी जो आउटपुट है। अब अगर ये काम मैं यहाँ से पल्सेस दूंगा तो काउंटर मेरा क्या करेगा, काउंट करेगा 2 पे आ गया। देन नेक्स्ट जाएंगे आप यहाँ से 3 पे जा सकते हैं, देन नेक्स्ट जाएंगे आप यहाँ से 4 पे जा सकते हैं, देन नेक्स्ट जाएंगे। तो देखिए अभी 4 है, यानी 5 से कम है सोर्स ए की वैल्यू, अभी भी मोटर ऑन है। एक पल्स और देंगे, अब क्या हो गया, दोनों बराबर हैं, यानी सोर्स ए की वैल्यू 5 के बराबर है, स्टिल मेरा मोटर ऑन है, क्योंकि ये जो ब्लॉक है लेस देन तो है ही साथ में इक्वल है। तो लेस देन जब 5 से कम पे था सोर्स से तो मेरा आउटपुट यानी मोटर ऑन था, अब बराबर भी हो जाएगा तो भी ऑन रहेगा। लेकिन जैसे ही एक और पल्स दूंगा तो मेरा काउंटर कहाँ चला गया, 6 पे चला गया। इसका मतलब यह है कि मेरा ज़्यादा हो गया सोर्स ए की वैल्यू, मेरा मोटर बंद हो गया। इसका मतलब ये लेस देन ब्लॉक है, जब भी 5 से कम और 5 के बराबर रहेगा तो मेरा क्या रहेगा, आउटपुट ऑन हो जाएगा, क्योंकि लेस देन और इक्वल ब्लॉक है ये। तो देखिए यहाँ पर लेस है अभी, यानी 5 मैंने फिक्स किया हुआ है, 2 मेरा काउंटर वैल्यू है, और ये जैसे 5 तक जब तक रहेगा काउंटर तब तक मेरा क्या रहेगा, आउटपुट ऑन रहेगा। देखिए स्टिल 4 तक के आउटपुट ऑन है। एक और पल्स देंगे तो अभी भी देखिए ऑन है, जैसे एक और पल्स आप देंगे 6 करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 6 ज़्यादा चला गया हमारा 5 से। तो इस तरीके से हम लेस देन इक्वल ब्लॉक हम यूज करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्लॉक है, आप इसके प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखकर आप प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए। वीडियो अगर पसंद आया रियली लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आप लगातार कंपेयर ब्लॉक्स की प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।